बेबी के प्यार में जुर्म के गुलाम बने संजय दत्त। वेडिंग एनिवर्सरी मौके पर मान्यता के पैर दबाते नजर आए पत्नी भक्त। जी हाँ, बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त भले ही बड़े पर्दे पर खतरनाक किरदार निभाते हों, लेकिन ये जनाब भी घर आकर अपनी बीवी के पैर ही दबाते हैं। अब ऐसा हम नहीं बल्कि ये वीडियो बोल रही है जो मान्यता ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की। दरअसल संजय दत्त और मान्यता दत्त की शादी को 14 साल हो गए हैं। वो 11 फरवरी को वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के प्रति प्यार को जाहिर करते रहते हैं, लेकिन आज इस खास मौके पर मान्यता ने संजय का एक क्यूट वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उनके पैर दबा रहे हैं। एक्टर का ये अंदाज भी फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। इस वीडियो में संजय दत्त अपनी वाइफ मान्यता के पैर दबाते दिखाई दे रहे हैं और वो भी बहुत प्यार से। मान्यता ने कैप्शन में लिखा है, मेरे सबसे बेस्ट दिन आपके साथ बिताए गए हैं। आप जिस तरह हो उसके लिए आपको प्यार करती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। उन्होंने कई सारे हैशटैग भी यूज किए हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं। एक्टर के पास कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें वो नजर आने वाले हैं, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ संजय दत्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में छाए रहते हैं। वहीं संजय अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी वक्त देने में पीछे नहीं रहते हैं। संजय की तरह ही उनकी पत्नी मान्यता दत्त भी काफी चर्चा में बनी रहती है। मान्यता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और साथ ही अपने फैंस के साथ आए दिन अपनी वीडियोस और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। बता दें कि मान्यता दत्त के साथ बॉलीवुड के दिलबहक एक्टर संजय दत्त की ये तीसरी शादी थी, जबकि मान्यता दत्त ने भी संजय दत्त संग दूसरी शादी रचाई थी। यही वजह है कि स्टार कपल की निजी लाइफ हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। शादी के बाद मान्यता दत्त और संजय दत्त ने अपने रिलेशनशिप को बेहद मजबूती से संभाला है। मान्यता आज भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मान्यता सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोस फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। संजय दत्त के हर मुश्किल वक्त में मान्यता एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी नजर आई हैं। यह 2020 में संजय दत्त को कैंसर हो गया था। इसके इलाज के दौरान उनकी पत्नी मान्यता दत्त उनकी ताकत बनी थी। दोनों 11 साल के जुड़वां बच्चों शहरान और इकरा के माता पिता हैं। संजय की 34 वर्षीय बेटी त्रिशला भी है जो उनकी और उनकी स्वर्गीय पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो बीते शुक्रवार को संजय ने अपनी अगली फिल्म शमशेरा की रिलीज डेट शेयर की थी। फिल्म में मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर हैं। ये पीरियड ड्रामा इस साल 22 जुलाई को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। इसके अलावा संजय दत्त पृथ्वीराज में भी नजर आने वाले हैं।